इतना बड़ा लोन, इतना ज्यादा पैसा मार्केट से उठाने की जरूरत क्या थी? मैं तुझसे पूछ रहा हूँ समरजीत, चुप नहीं रहे, जवाब दे। बाबूजी, इस लोन के बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तो तू ऑफिस में क्या झक मारने आता है? बैलेंस शीट देखी है तूने? उसमें साफ लिखा है कि इतनी बड़ी डील हुई है। तेरी नाक के नीचे से इतनी बड़ी डील होगी और तुझे मालूम नहीं? देखिए बाबूजी, आप जो कुछ भी कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन इस लोन के बारे में मुझे वाकई कुछ नहीं पता। और बाबूजी, जहां तक ऑफिस का काम संभालने की बात है, वो मैं पूरे कॉन्सेंट्रेशन और पूरी ईमानदारी से करता हूँ। अगर तेरी ईमानदारी कॉन्सेंट्रेशन का नतीजा ये है तो तू घर पे बैठ पुत्र। ये आप दूसरी गलती कर रहे हैं बाबूजी, क्योंकि अगर कल को आप भी सैम की जगह इस ऑफिस में बैठे होते तो आपकी नाक के नीचे से भी ये डीलिंग हो सकती थी और आपको पता भी नहीं चलता, क्योंकि इस कंपनी का COO आपके एतबार पर पूरा कब्जा किए बैठे होता। मतलब तू कहना क्या चाहता है? ये कारिस्तानी राज की है बाबूजी, जिसे सीना ठोककर आपने इस कंपनी का COO बनाया था। उसी ने प्राइम कैंट होटल को गिरवी रखकर COO की हैसियत से RAS फाइनेंस कंपनी से करोड़ों रुपया उठाया, जो कि इस कंपनी के अकाउंट में आज तक नहीं आया। यानी कि यह कर्ज राज ने अपने पर्सनल खर्च के लिए लिया है। मैं समझ रहा हूं ये कितना बड़ा घोटाला हुआ है, लेकिन ये RAS फाइनेंस वाले हैं कौन? हेलो, RAS फाइनेंस? जी हाँ, मैं प्रीतम सिंह बोल रहा हूँ, कैंट ग्रुप ऑफ होटल से। यस सर। आप मिस्टर जय मेहता हैं? सर, मिस्टर मेहता तो ऑफिस में नहीं है, वैसे मैं उनका सेक्रेटरी बोल रहा हूँ। आप तो अगर कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारी कंपनी कैंट ग्रुप ऑफ होटल्स ने आपसे कोई लोन लिया है? यस सर, आप हमारे खास कस्टमर हैं और इतने कम समय में इतना बड़ा लोन हमने आज तक सैंक्शन नहीं किया है। इसकी कोई खास वजह? सर, आपके ऑफिस से मिस्टर राज का फोन आया तब हम सब हैरान रह गए कि अचानक कैंट ग्रुप ऑफ होटल्स को फाइनेंस की जरूरत कैसे पड़ गई। हैरान तो यहाँ हम भी हैं कि आपने यकमुश्त सारा पैसा रिलीज कर दिया। इतना बड़ा होटल गिरवी रखकर पैसा उठाया गया है, फिर हमें देने में ऐतराज क्या हो सकता है? या, you're right. Anyway, thank you so much. क्या कोई प्रॉब्लम है भाऊजी? प्रॉब्लम नहीं, बीमारी है। ये जो दिल है ना, इसे किसी पर भी एतबार करने की बीमारी है। बीमारी कुछ ना कुछ तो खर्च करवाती है। पर बाबूजी, इतना ज्यादा पैसा? बीमारी भी तो बहुत बड़ी थी ना बेटा। पम्मी! जी बाबूजी। पम्मी है, तुझे बुलाया मैंने, कपड़े जान दबाओ। पम्मी! जी बाबूजी। क्या हुआ? क्या हुआ? देख, पढ़ के देख इन फाइलों को, क्या गुल खिलाया उस राज ने। हमारे प्राइम होटल को गिरवी रख के करोड़ों रुपए उठा लिए उसने बाजार से, और पैसे का कुछ पता नहीं है। नहीं बाबूजी, राज ऐसा नहीं कर सकता। नहीं कर सकता? वे उसने तो ऐसे ऐसे काम किए हैं जो हम सोच भी नहीं सकते थे। पढ़ी लिखी है ना तू? ये ले पढ़ फाइलें, और खुद सोच कितना नुकसान किया उसने हमारे बिजनेस में। पुत्र, बिजनेस का नुकसान तो हम फिर भी सह जाएंगे, पर मेरी गुजारिश है इस घर को नुकसान नहीं होने देना। वो नहीं मैं सह पाऊंगा। हेलो। हेलो अनु, मैं राज बोल रहा हूँ। राज, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। किसी भी तरह से तुम मम्मी को मेरे पास लेकर आ जाओ, मैं उसे मिलना चाहता हूँ। लेकिन वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। और मैं तुमसे क्या मदद मांग रहा हूँ? यही ना कि उसे मनाकर मेरे पास ले आओ। देखो,
मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। क्या करोगे तुम उससे मिलकर? वो तुम्हें अपनी जिंदगी से बेदखल कर चुकी है। ये मैं किसी और के मुंह से नहीं, उसके मुंह से सुनना चाहता हूँ। मम्मी एक बार ये कह देगी तो मैं चला जाऊंगा। बेहतर होगा राज कि तुम उससे बिना मिले ही चले जाओ। जब तुम्हारे सलाह और मशवरे की जरूरत होगी तब मैं तुमसे जरूर मांगूंगा, पर फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। अनु मुझ पर इतना एहसान कर दो प्लीज। इसके बदले में तुम जो कहोगी वो मैं करने को तैयार हूँ, बट प्लीज तुम प्लीज मम्मी से कहो कि मैं क्वींस पार्क में उसका इंतजार कर रहा हूँ। प्लीज अनु प्लीज। बाय। रोहन तुम यहाँ बैठे पम्मी का इंतजार कर रहे हो ना? पम्मी आएगी, जरूर आएगी, आज सूरज ढलने से पहले आएगी वो। तुम्हारा सूरज तुम्हारे इन्हीं भुलावों की वजह से डूब जाएगा रोहन। तुम यहाँ ऐसे ही बैठे रहो और वहाँ राज पम्मी को लेकर चला जाएगा। राज वो अब भी घर के इर्द गिर्द मंडरा रहा है रोहन। उसने तो मुझसे रिक्वेस्ट भी की है कि मैं पम्मी को एक बार उसके लिए क्वींस गार्डन ले आऊं, क्योंकि वो खुद पम्मी के मुंह से उसका फैसला सुनना चाहता है। तो तुम क्या करोगी? मैं उसे राज के पास क्वींस गार्डन भेजूंगी रोहन, लेकिन उससे पहले मैं उसको इतना धिक्कारूंगी, इतना बेइज्जत करूंगी, इतना जलील करूंगी कि वो राज को अपना फैसला हमारे हक में ही सुनाएगी। राज को वो चले जाने को ही कहेगी। पर अगर पम्मी उसे जाने को नहीं कहती तो, और भावनाएं कहीं और बह गई तो? अनु तुम ये रिस्क मत लो प्लीज। मैं जानती हूँ मैं क्या कर रही हूँ, और अगर तुम अपनी पम्मी को नहीं गंवाना चाहते तो तुम भी सुन लो कि तुम्हें क्या करना है। यहाँ पर बैठकर पम्मी का इंतजार करने के बजाय घर जाओ और बाइज्जत पम्मी को अपने घर वापस ले आओ। उससे कहो रोहन कि तुमने उस रात पर धूल डाल दी है। पर अनु अगर तुमसे ऐसा नहीं होता ना रोहन, तो तुम पम्मी को खोने की तैयारी तो कर ही लो। पम्मी दीदी, अरे उधर मुंह क्यों कर लिया? इधर देखिए जरा, मुझे अपना चेहरा तो दिखाइए। मुझे देखना है कि आपके इस चेहरे पर कहीं कोई शर्मिंदगी है भी या नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं है। लगता है पिछली रात ने आपको बहुत बेशर्म बना दिया है। यहां से चली जाओ अनु। तुम्हारी बेशर्मी मैं तो बर्दाश्त कर सकती हूँ पम्मी दीदी, लेकिन बाहर जब मैं घर वालों का चेहरा देखती हूँ तो मुझे उन पर बहुत तरस आता है। वो तो बुत बने बैठे हैं बेचारे, जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। सच उनका वो एक बार टूट गया पम्मी, जिसके वो ढोल बजाया करते थे। अब एक बार टूट गया तो टूट गया। तुम्हें वो एतबार जोड़ना पड़ेगा पम्मी। कैसे तुम राज के साथ एडिनबरे वाले घर में चली गई? यानी शादीशुदा औरत होने के बावजूद किसी गैर मर्द के साथ तुम्हारी रास लीला तो चली रही थी। और ये सिलसिला तुम्हारे रोहन से शादी करने के पहले से ही जारी था, तो फिर बेचारे रोहन से शादी ही क्यों की? या फिर तुम्हें इस चोरी में अलग ही रस मिल रहा था? अनु चिल्लाओ मत, इतनी घटिया हरकत करने के बावजूद तुम्हारे पास अब भी कुछ कहने को बाकी है? क्या बेहयाई है! घर के लोगों की नजरें नहीं उठ रही हैं पम्मी दीदी, जमीन पर नजरें गाड़े बैठे हैं सब, और यहां तुम्हें अब भी कुछ कहना है? नॉट बैड। अगर तुम्हें अपने ही घर वालों पर जरा सी भी दया आ रही हो ना, तो बाहर जाओ। राज घर के बाहर मंडरा रहा है, उसे जाकर कहो कि हमारी दुनिया से दूर चला जाए। कहो जाकर उससे। हेलो पम्मी, अगर तुम्हें यकीन है कि मैं देव नहीं और ना ही मैं हो सकता हूं तो फोन रखना, वरना नहीं।
तुम्हें देख के कसम, उस रात हमने एक दूसरे का एहसास किया था ना पम्मी, वो एहसास एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ। वो एहसास महज सिर्फ एक रात का नहीं था, कई जन्मों का था पम्मी। बहन बहकावों से बहकने वाली नहीं हूं राज, चले जाओ मेरी जिंदगी से, तुम चले जाओ प्लीज। मैं राज नहीं देव हूं पम्मी, और ये तुम अच्छी तरह जानती हो। तुम्हारा दिल कह रहा है, इस सच्चाई को कबूल कर लो पम्मी। गुल आपा साबित कर चुकी है कि तुम, वो गुल आपा तुम्हारे और मेरे यकीन से बढ़कर नहीं हो सकती पम्मी। तुमने मेरी आंखों में झांक कर कहा था कि मैं देव हूं, तुमने मेरी धड़कनों को छूकर कहा था कि मैं देव हूं। गुल आपा की बात छोड़ दो, तुम पम्मी के एतबार की बात करो। क्या पम्मी भी ये मानती है, या फिर मैं ये सच्चाई पम्मी पर थोप रहा हूं? नहीं जानती मैं, नहीं जानती और जानना भी नहीं चाहती हूं मैं। सुना तुमने? पर मैं जान चुका हूं पम्मी, सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। मेरा यकीन करो पम्मी, पम्मी से कोई पाप नहीं हुआ। पम्मी से पाप नहीं होता, और क्या देव पम्मी से पाप होने देगा? पम्मी मुझसे सिर्फ एक बार मिलो, तुम्हें एतबार हो जाएगा। नहीं नहीं, मुझे किसी से नहीं मिलना, मैं तुमसे और ना रोहन से। उस रात के हादसे ने मुझे, वो हादसा नहीं, देव और पम्मी का मिलन था, और ये मिलन उस ऊपर वाले ने करवाया था, जिसकी मर्जी के बगैर हमें जुदा होना पड़ा था। तो ठीक है, मैं ये फैसला भी ऊपर वाले पर ही छोड़ती हूँ। मैं तो दुनिया पर साबित नहीं कर पाई कि तुम देव हो, पर इस दुनिया ने तो साबित कर दिया कि मैंने जो किया वो गुनाह किया। पम्मी प्लीज, एक आखिरी बार मुझसे मिलने आ जाओ प्लीज पम्मी। पता नहीं मैं आऊंगी या नहीं पम्मी। अब जो भी साबित करना है मुझे करना है पम्मी, पहले तुम पर और फिर इस दुनिया पर। तुम आ गई पम्मी। मुझसे दूर रह के बात करो राज। राज मैं अब इस बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ राज, और ना ही तुम्हें इस बहस में पढ़ने की जरूरत है। मैं तो पढ़ूंगा, बेशक पढ़ूंगा, क्योंकि ये सिर्फ बहस नहीं, मेरी जिंदगी भर की। मैंने अपनी जिंदगी के बारे में तय कर लिया है राज, और उस फैसले में तुम कहीं नहीं आते। मैं तुमसे आइंदा कभी मिलना नहीं चाहती, ये तुम मेरे मुंह से सुनना चाहते थे ना, तो सुन लिया अब। हाँ सुन लिया, और तुम्हारे दिल की धड़कनें जो कह रही हैं, वो भी साफ सुनाई दे रहा है पम्मी। मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो राज, और मेरी जिंदगी से चले जाओ प्लीज। जस्को राज, इन नजदीकियों से दूर चली जाना चाहती हो पम्मी, जिन हवाओं में तुम्हारी महक नहीं, उन हवाओं पर मेरा गुजारा नहीं पम्मी। पर क्या तुम मेरी इस महक से दूर रह पाओगी पम्मी? मेरे इस एहसास से दूर रह पाओगी पम्मी? इस एहसास में देव जिंदा है पम्मी, क्या देव से फासला कर सकती है? पम्मी मर जाएगी, और मैं पम्मी को मरने नहीं दूंगा।
हेलो, अपनी माँ पे एक एहसान करेगा बेटा? तू पहले यहाँ पूजा पर आ जा, फिर यहाँ से पम्मी को साथ अपने घर ले जा, वहाँ पूजा कर और दिवाली मनाना। पम्मी को राजी कर लिया है मैंने, वो जरूर जाएगी तेरे साथ। ठीक है माँ, मैं आता हूँ। अच्छा बेटा। पम्मी प्लीज आज तो आ जाना। बाजी मिठाई। हैप्पी दिवाली बाबूजी। हैप्पी दिवाली पुत्र जी, जिंदे रहो, जवानी मानो, खुश रहो। उसे भी आरती दो बेटा। मैंने तुम्हें वो पिछली वाली रात माफ कर दी। इस दिवाली की नई रोशनी में चलो हम अपनी जिंदगी को एक नई शुरुआत, एक नया नजरिया दे दें। ये मेरा तुमसे और आप सबसे वादा है। चलो पम्मी, चलो घर चलते हैं। पम्मी अब यहां से अपने ही घर जा रही है रोहन। तर यहां की पूजा तो हो गई, अब तुम अपने घर जाओ। बाबूजी आप मुझसे नाराज होना चाहे तो नाराज हो जाइए, मुझे थप्पड़ मारना चाहे तो थप्पड़ मारिए, या फिर मुझे इस घर से बाहर निकालना चाहे तो वो भी कर सकते हैं, पर नहीं, मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। पर क्यों नहीं जाएगी पम्मी? उस रात की वजह से जो रोहन कहता है कि उसने मुझे माफ कर दी। तर रोहन ने कहा तो है कि जिंदगी की एक नई शुरुआत करते हैं, तो अब परेशानी क्या है? अच्छा वो पिछली रात भूल जाओ कि ना तो तुम्हारी जिंदगी में कभी आई थी और ना वो रात मुझ पर कोई असर डालेगी। वो रात मुझे याद आती रहेगी रोहन, और तुम पर हर बार असर डालती रहेगी। क्यों याद आती रहेगी? जरूरत क्या है याद करने की? मम्मी आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं तुमसे तलाक चाहती हूँ रोहन। मुझे तुमसे तलाक चाहिए, मुझे तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए, तलाक चाहिए। Thank you.
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।